नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार YouTube चैनल और Facebook पेज में आपका स्वागत है। भाई आज इस वीडियो में आपको ट्रक दिखाऊंगा अपना। ये S मॉडल और डंडा मॉडल भी हैं यहाँ पे, और बहुत सारे ट्रक खड़े हैं। वो डंडा मॉडल सामने खड़ा है एक ट्रक, वो उधर, उसके पास भी आऊँगा। और S मॉडल में ना अलग अलग मॉडल आते थे इनके, तो अभी मैं दिखाऊँगा। यहाँ काफ़ी पुराने ट्रक हैं ये, वैसे तो अब शायद ये यहाँ पर चलते तो हैं, जो बंदा मेरे को बताया भाई चल रहे हैं कुछ सीजन पर या पता नहीं जो भी है, लेकिन हालात ऐसे लग रहे हैं काफ़ी टाइम से खड़े हैं ट्रक फिलहाल। और ये अपना टाटा के नाम से जो आते थे, टाटा एस मॉडल होता था ये, टाटा का काफ़ी फेमस मॉडल रहा है वो। अपना एरिया वाइज अलग अलग ट्रकों की अलग अलग डिमांड होती थी इसमें। और जैसे जो यहाँ पे दो तीन मॉडल टाइप के खड़े हैं ट्रक, दिखने में जैसे एक जैसे हैं ये, इनमें दिखने में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। जैसे ये जो नंबर है ये आपको दिखाऊँ आपको, जैसे 1210 है, टाटा 1210 लोरी जो होती थी, और इसी की सेम जो पीछे है एक ये है, जैसे 1510 आ गई, ये शायद लोडिंग के हिसाब से है। जैसे 1510 आ गई है, ये लोडिंग के हिसाब से इसमें छोटा मोटा चेंज किया गया था ताकि अपग्रेड वर्जन कह सकते हैं जिसको, ये लोडिंग के हिसाब का फंडा है इनमें। ये देखो अंदर से काट के ऐसे बॉडी बनती थी पहले लकड़ी की, बढ़िया एकदम सॉलिड वाली, जिससे वाइब्रेशन वगैरह कम होती थी। तो इन ट्रकों के बारे में जैसे यहाँ मेरे को कोई बंदा मिला नहीं बताने वाला, तो मैं फिर भी जैसे आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत अंदर से। ये अंदर से भी जैसे थोड़ा तो हालात है ना, जैसे खस्ता हो रखी है, खड़े हैं तो काफ़ी टाइम से खड़े हैं ट्रक यहाँ पर। तो इनके बारे में ये है, ये डबल कमानी के साथ में, तो वो एक बंदा, और एक ये अपना है जो कोई 21-8 है या 21-08, 210 तो उस साइड है। ये देखो ये हल्का सा 8 बनना हुआ दिख रहा है या 3 होगा, ये ऐसा कुछ है, ये उस साइड है इसका नंबर। 210 तो दिखेगा पक्का, बाकी ये थोड़ा हो सकता है ओवरलोड में ज़्यादा होगी, थोड़ा बॉडी भी लगता हो सकता है, वो थोड़ी बड़ी बना दी, लंबी हो 1-2 फुट, लेकिन दिखने में जैसे सेम है ये ट्रक, दिखने में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं इनके अंदर। जो अंदर से भी देखेंगे तो दिखने में वो है सेम टू सेम है, ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ मेजर चेंज नहीं है। पहले ट्रक ऐसे ही बनते थे, पीछे ये ड्राइवर सीट होती थी, अपना थोड़ी बहुत एडजस्ट कर सकते थे इसको। और अंदर से भी दिखाऊंगा आप लोगों को, एक ट्रक के अंदर जाके अंदर से भी दिखाऊंगा। और जैसे कुछ चेंज होगा तो भाई मेरे को देखो इनके बारे में, इस चेंज के बारे में पता नहीं क्या चेंज था इनके अंदर। तो ये ट्रक है पीछे, ये देख लो अंदर बॉडी देख लो इसकी, अंदर मेरे को तो दिख नहीं रहा क्या है अंदर, इसमें खाली है वैसे। ये पीछे टाटा की ट्यूब होती थी लोगों के साथ में, टाटा के लोगों के साथ में ऐसे हैं। और इधर बहुत सारे ट्रक हैं, ये 3, 2, 5, 3, 8, 10 ट्रक के करीब खड़े हैं, 10-12 ट्रक खड़े हैं यहाँ पे। ये देखो ये वो जो मैंने बताया था 21-08 बता रहा था मैं, या 21-03, ये है 210, तो ये लिखा हुआ ट्रक का यहाँ पे। बाकी दिखने में लुक वाइज सेम है, ये लोडिंग का चेंज है अलग अलग, ये कलर का फ़र्क है थोड़ा इस ट्रक में। इसका नंबर यहाँ है नहीं, दिख नहीं रहा किसी कारण से, वो बदल दिया। हेडलाइट वगैरह काफ़ी बड़े बड़े ठेल होती थी, ये चीज़ें हैं बढ़िया नहीं, एकदम लोहा पत्था होता नहीं भाई, इतना लोहा बात पात देते थे, मतलब लॉन्ग लाइफ के लिए सिर्फ। और अगर हम इसमें खोल लेंगे तो शायद, या अच्छा मैं उल्टा जोर लगा रहा था, मैकेनिज्म उल्टा दे रखा था। अच्छा इसमें कंडक्टर साइड की सीट नहीं है, और इसमें सेफ्टी का देखो ड्राइवर है ना, बहुत जैसे इंजन होता था पूरा आगे होता था इंजन, कैबिन उसके बाद कैबिन हुआ फिर उसके बाद ये होती थी, तो इसमें सेफ्टी ज़्यादा होती थी गाड़ियों में, इन गाड़ियों में। ये एक कह लेते जिसका फिर टाइम के हिसाब से अपग्रेड होते रहे मॉडल, अलग अलग मॉडल आते चले गए इनका। यहाँ स्टेपनी ऑप्शन है, ये स्टेपनी ऑप्शन बहुत पुराना है, पहले टाटा मर्सिडीज आती थी डंडा मॉडल, उसमें क्या होता था स्टेपनी को उठा के लगाते थे, फिर बाद में एक ही अपग्रेडेशन आ गया था, टाटा ने अपग्रेड किया था डंडा मॉडल में भी और एस मॉडल में भी। तो ये टाइम के हिसाब से हर गाड़ी का, जैसे हर मॉडल के ना डिमांड बहुत ज़्यादा रही थी, एस मॉडल का भी काफ़ी स्वाद मज़ा था अलग से, और जो डंडा मॉडल उसका अपना अलग स्वाद है। ये है टाटा 1210 SE, ये देखो लिखा हुआ टाटा 1210 SE। ये अलग अलग मॉडल आते थे इनका, जैसे लोड के हिसाब से अलग अलग सिस्टम होता था इनका, बाकी दिखने में सारी चीज़ें सेम थी इन ट्रकों की। इसमें देखो बड़े हॉर्न लगवा रखे थे बंदे ने प्रेशर के, ऐसे इसने रखा हुआ था बड़ा तिलते लगा कर रखा है वो ट्रक को। और एक का बोनट भी खुला हुआ, इंजन के बारे में भी दिखा सकते हैं, इंजन भी दिखा सकते हैं हम उसका अंदर से। और तो नीचे से लगभग सेम गाड़ियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ चेंज मेरे को तो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि मैं
ये देखो ये आ गया टाटा डंडा मॉडल, टाटा का डंडा मॉडल आता था, टाटा मर्सिडीज के साथ में सेम ऐसा मॉडल था। उसकी दो तीन चीज़ें चेंज थी उस ट्रक को पहचानना, एक तो फ्रंट ग्लास जैसे सिंगल उसमें भी आता था वो, और दूसरा जो बम्पर होता था, मेरे को भी एक बंदे ने बताया था राजस्थान का बंदा था, उसका फ़ोन आया था, जो मुड का इसका जो बम्पर होता है उसका चकुट्टा होता है, इसका तो जैसे यहाँ से स्मूथनेस में वो बिल्कुल चकोर होता है, जैसे अपना एक बीम होता ना वो वाला। ये देखो टाटा के साथ में टाटा इंजीनियरिंग के नाम से इसका लोगो लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे टाटा का लोगो होता था। और इसका इंजन अगर हम दिखाऊँ तो इंजन यही चार सिलेंडर इंजन, इसका चार एग्जॉस्ट पॉइंट है, इसके चार सिलेंडर इंजन होते थे उस टाइम पे, और पूरा इंजन आगे और ड्राइवर सीट पीछे, अंदर बिल्ली बैठी थी भाई। ये अपना बॉडी भारी चेन के साथ में होते थे ट्रक, इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज, बस ये अपना मॉडल का फ़र्क था। तो अब और ये टाटा का दिखाता हूँ अंदर से, ये सिंगल सीट के साथ होता था, जो ये डी मॉडल था ये सिंगल सीट में होता था, और जो एस मॉडल उसमें डबल सीट हो जाती थी, कैबिन बड़ा होता था उसका, और इसकी जो ड्राइवर स्टेयरिंग है वो बहुत अंदर की साइड में होता था, जैसे मुड़ के चलाना बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत ही मुश्किल। ये इधर एस मॉडल है, ये टाटा का डंडा मॉडल है, इधर अपना डीजल टैंक लगा रखा है इसमें भाई डबल कमानी के साथ में, ये सारी चीज़ें, ये है इंजन खुला हुआ टाटा का एस मॉडल का, और जो एस मॉडल का इंजन है वो अंदर की साइड में थोड़ा हा इसका, क्योंकि कैबिन बढ़ा दिया था इससे ये अंदर कर दिया, और ये भी चार सिलेंडर इंजन है इसका, और ये शायद चार नहीं भाई छः सिलेंडर इंजन है ये, सॉरी एग्जॉस्ट चार हैं वैसे छः सिलेंडर इंजन है, सॉरी इसके लिए, क्योंकि देखो इसमें भी छः सिलेंडर पंप लगा हुआ, इनलाइन पंप का वो इनलाइन कंपनी इनलाइन पंप है ये रहा, और छः से नोजल लगी हुई इसमें छः सिलेंडर के साथ में आता था। ये इधर अपना पावर स्टेयरिंग ना सॉरी स्टेयरिंग वो होगी मैकेनिज्म, ऊपर ऐसे खुल के ऐसे डंडा लग जाता था इसमें, इससे यहाँ से ये एयर क्लीनर के लिए हवा लेता था यहाँ के, नहीं सॉरी ये शायद एयर क्लीनर के लिए नहीं, ये अंदर के लिए हवा होती थी, जो ड्राइवर के लिए जो जाती थी ना ड्राइवर को पैसेंजर, और अपना यहाँ से हवा जैसे जो ये कोल रखी है ये देखो ये इसमें फिट हो जाता था, इस तरीके से अंदर से ड्राइवर बंद कर देता था हवा, जब बाहर की हवा जो है ताकि गाड़ी अंदर से ठंडी रहे, इसलिए ये अपना बम्पर वगैरह होते थे इसके, काफ़ी हैवी लोहा होता था इनमें, ये इंजन ऑयल चेक करने के लिए, सॉरी इंजन इनके छः सिलेंडर ही हैं, एग्जॉस्ट पॉइंट देख के मैं बोल रहा था भाई चार सिलेंडर, इसमें मुड गार्ड पिछले का व्यू बना रखा है। अगर हम नीचे से देखें तो ट्यूब लगभग सेम सी है, ऐसा कुछ मेरे को चेंज लगा नहीं। चलो ये अलग अलग है, ये इधर अपना एक और टाटा डंडा मॉडल खड़ा है, जो कि पहले बोलते थे इसको टाटा का डंडा मॉडल, टाटा इंजीनियरिंग के साथ में आते थे ट्रक, यहाँ पर ये अपना लोगों के साथ में ये खड़े हैं यहाँ पर ट्रक, काफ़ी पुराने पुराने ट्रक हैं बहुत हैं ये, काफ़ी ट्रक खड़े हैं, एक वो सामने खड़ा है टाटा डंडा मॉडल, और ये एस मॉडल खड़ा है, और एक सामने इसके एक और एस मॉडल खड़ा है वहाँ पर, तो कोशिश करूँगा आप लोगों को अंदर से भी दिखाने की। ये बस खड़े हैं यहाँ पर काफ़ी दिन से, और ये अभी फिलहाल तो बंद नहीं, नहीं खुल गया भाई खुल गया। ये देखो पुली टाइप का सिस्टम भी था इसमें, अंदर पंखा भी लगा हुआ ट्रक में, ये बढ़िया बंदे ने बढ़िया रख रखा है ट्रक एकदम मस्त वाला, काट की फट्टी के साथ में सारा सिस्टम होता था इन ट्रकों के अंदर। ये अंदर से बढ़िया एकदम मस्त था, मज़ेदार चीज़ होती थी ये ट्रक, थोड़ा काफ़ी दिन से खड़े हैं ट्रक, तो ऐसे ट्रकों के बारे में अगर किसी को और को नॉलेज हो तो भाई मेरे नंबर पर आप कॉल करके या मैसेज करके बता देना, जो मेरा नंबर है 9466034520 नंबर है, और जो ये दूसरा टाटा मर्सिडीज का ट्रक है वो ये खड़ा है, ये जिसको मैं अब बोनट उठा के आपको चार सिलेंडर बता रहा था, क्योंकि है छः सिलेंडर। अरे खुल जा भाई, गुस्सा क्यों हो रही है। ये है, और इसमें जो मीटर है वो टाटा का ही लगा हुआ है, और हर गाड़ी में चाबी है अंदर से, कैबिन अलग अलग डिजाइन के, ये होता था पहले क्या, जैसे आजकल जो मोबाइल के अगर हम बात करें ना, टोटली वो आ गए टच स्क्रीन आ गए सारे, पहले जो कीपैड होते थे उनमें एक वैरायटी होती थी, ऐसे ही इन गाड़ियों में एक अलग से वैरायटी है भाई, अलग अलग टाइप का, कोई किसी टाइप की प्लाई लगवा रहा है, कोई कलर को लेकर इस तरीके से लगवा तो फिर आज भी सकते हैं, लेकिन पहले कंपनियाँ या फिर जैसे जो बॉडी बनाने वाले ना इन चीज़ों पर काफ़ी ध्यान देते थे। ये नीचे से देखो भाई काफ़ी दिन से खड़े हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड बंदा है जैसे टाटा डंडा मॉडल को लेना चाहता हो
इस टाइप का, तो यहाँ आकर बात कर सकता है इन बंदों से। ये 6 सिलेंडर इंजन है भाई, सॉरी मैं 4 बता रहा था, 6 सिलेंडर इंजन है, एग्जॉस्ट पॉइंट 4 सिलेंडर इनके। और देखो इसकी हेडलाइट किस तरीके से अलग से डिज़ाइन की हुई है, अलग डिज़ाइन की है हेडलाइट, बड़ी अच्छी लगी भाई मेरे को, भारी है और हेडलाइट अलग डिज़ाइन की होती है। इनमें यहाँ एक रोड होती थी ऐसे लंबी सी, ताकि ड्राइवर को दोनों तरफ का आराम से इजीली दिख जाए, यहाँ पे बैठ भी सकता था बंदा, इतनी जगह होती इसमें, यहाँ से बंदा बैठ के आराम से अपना यात्रा कर ले। और मैं आप लोगों को और उधर जा कर दिखाऊँगा इस ट्रक के, जैसे ये हेडलाइट अलग है और ये हेडलाइट अलग है, ये वाली हेडलाइट बिल्कुल एकदम मेरे को ओरिजिनल लग रही है, जेन्युइन, इसके अंदर गड्ढा सा है बिल्कुल एकदम, और अंदर की साइड से निकल के आ रही है हेडलाइट। ये होता था वह ट्रक, बढ़िया मज़ेदार। इन ट्रकों के बारे में मेरे को ज़्यादा इतनी ज़्यादा नॉलेज है नहीं, फिर भी चलो मैं यहाँ आया था, सोची आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक ऐसे मॉडल ये खड़ा जो ये 15 कुछ था, ये मॉडल, ये वाला मॉडल ठीक, ये सामने चले हैं दोनों ट्रक, सामने फ्रंट में थे, उधर वो डंडा मॉडल खड़ा है। तो यहाँ ट्रक हैं 3 और 3-6, 3 और 3-6 और 3-9, एक 10 ट्रक खड़े हैं ये यहाँ पे, 10 तो ये हो गए, और 11-12-13 ट्रक खड़े हैं टोटल यहाँ इस एरिए में, 10 तो ट्रक यही से प्लॉट में हो गए यहाँ पर, ये थे 10 ट्रक तो ये हो गए, और एक ट्रक सामने खड़ा 11 और एक ये खड़ा 12 और इसके से एक सामने खड़ा है, इसके सामने 13 ट्रक खड़े हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल हाईवे के साथ में। तो ये थे वह ट्रक, और अगर और किसी भाई के पास ऐसी नॉलेज हो जो विंटेज चीज़ें बस, जैसे कोई पुराना ट्रक है, कार है, बस है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, स्कूटर है, कोई भी पुरानी चीज़ हो जिसने रखी हुई अपने पास संभाल के, तो प्लीज़ मेरे नंबर पे जरूर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके बता देना। जो मेरा नंबर है 94660-34520-9460-345-20 नंबर है मेरा, तो आप इस नंबर पर कॉल करके ज़रूर बता सकते हो। और वीडियो जैसी भी लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।